आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी में 19 जून 2024 को विभिन्न स्थानों पर 28 गौवंश, एक स्थान पर 22 और एक स्थान पर 7 गौवंश मिले थे। 19 जून को दूमा के गरगटिया चिंटानाला जामुनझिर के जंगल में 28, सुनवारा चौकी थाना धनौरा के पिंडरई बैनगंगा नदी के कुरकू घाट में 22 और पलारी चौकी के बैनगंगा नदी के देवघाट में 7 गौवंश मृत मिले थे। 21 जून को धनौरा के ग्राम कड़वे थावरी के पास भसूड़ा नाले में 8 नग गौवंश पाए गए थे। इस तरह लगभग 65 गौवंश मृत अवस्था में प्राप्त हुए थे। इन सब को लेकर धूमा धनौरा थाना और पलारी चौकी में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर जांच आरंभ की गई थी। अपराध पंजीबद्ध करने के उपरांत सिवनी पुलिस मुखिया विहीन हो गया था। प्रशासनिक मुखिया जिला कलेक्टर क्षितिज सिंगल और राकेश कुमार सिंह पुलिस अधीक्षक, दोनों का तबादला सिवनी से कर दिया गया था। उनके स्थान पर जिला कलेक्टर के रूप में संस्कृति जैन और जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में सुनील कुमार मेहता की तैनाती सिवनी में की गई। इसके बाद पूरे मामले में थोड़ी सी तेजी आई। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद मुखबिरों को सक्रिय किया गया और संदेही आरोपियों की धरपकड़ आरंभ की गई। लगभग 75 आरोपियों को उस दौरान पकड़ा गया था, जैसा पुलिस के द्वारा बताया गया था। इस घटना में शामिल वाहिद खान और 6 अन्य आरोपियों की जानकारी जब प्राप्त हुई तो उसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जिला स्तर पर टीम गठित कर वाहिद को ढूंढ लाने के निर्देश जारी किए गए। पुलिस टीमों के द्वारा वाहिद को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। उसने गौवंश की हत्या में संलिप्त होना स्वीकार किया। नागपुर के इसरार पिता मंजूर अहमद द्वारा गाय बैलों का वध करने हेतु गाय बैलों की व्यवस्था करने के लिए कहा था और इसके एवज में अच्छी रकम देने की बात भी की गई थी। पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार वाहिद ने बताया कि इसरार ने वाहिद के अलावा सिवनी जिले के ग्राम ग्वारी चौकी, जो पलारी चौकी के ग्राम ग्वारी के सनाउर रहमान अल्फाज खान, कानीवाड़ा थाना के ग्राम खैरी के अब्दुल करीम, बादलपार चौकी के रफीक खान को भी पैसे देकर गाय बैल की व्यवस्था करने को कहा था। वाहिद के बताए अनुसार उक्त तीनों को हिरासत में लेकर सघनता से पूछताछ की गई, जिसमें उनके द्वारा नागपुर निवासी इसरार द्वारा पैसा देकर गाय बैलों की व्यवस्था करने और इसरार के नागपुर के साथियों द्वारा सिवनी आकर गाय बैलों का वध करने की बात की पुष्टि की गई थी। पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार इनके नागपुर के साथियों की तलाश के लिए पृथक पृथक टीमें बनाई गईं, लगातार प्रयास किए गए। मुखबिरों की मदद से इसरार को हिरासत में लेकर सघन पूछताछ की गई, तब इसरार ने गौवंशों का वध करने की योजना बनाना स्वीकार किया। 17 जून 2024 ईद का दिन था। 17 जून 2024 को गाय बैलों का वध करने के नाम पर पैसा कमाने की योजना उसके द्वारा बनाई गई थी। सिवनी जिले में अलग अलग स्थानों पर मृत मिले गौवंशों का वध में भी इसरार की संलिप्तता पुलिस के द्वारा बताई गई है। पुलिस के प्रेस नोट के अनुसार इसरार ने बताया कि पैसा लेकर अपने नागपुर के साथी वकील कलंदर मोहिद्दीन, वसीउल्लाह मोहिद्दीन, अब्दुल अजीज और रफीक की सहायता से सिवनी में गौवंशों का वध कराया। इसरार ने अपने साथियों को नागपुर से अब्दुल अजीज की टवेरा गाड़ी नंबर MH 31 CS 0962 से सिवनी भिजवाया था और सिवनी के वाहिद सनाउर रहमान, अब्दुल करीम एवं रफीक द्वारा गांव के कुछ लोगों की मदद से नागपुर से इसरार द्वारा भेजे गए व्यक्तियों की गाय बैलों का वध करने में
मदद की गई थी। पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार इसरार के बताए अनुसार वकील कलंदर मोहिद्दीन वसीउल्लाह मोहिद्दीन और रफीक को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने पैसे कमाने के लिए गाय बैलों का वध करने की बात स्वीकारी। विवेचना के दौरान धूमा सुनवारा पलारी में दर्ज अपराध में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार सिवनी जिले के धूमा थाने में पंजीबद्ध अपराध में गिरफ्तार आरोपी हैं इसरार पिता मंजूर अहमद निवासी मोमिनपुरा महात्मा फुले बाजार नागपुर, वाहिद पिता मजीद खान निवासी ग्वारी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, तीसरा आरोपी शादाब खान पिता इसराइल खान निवासी ग्वारी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, चौथा आरोपी अब्दुल अजीज पिता मोहम्मद इदरीस टेकानाका निवासी नागपुर के हैं। इसके अलावा अन्य आरोपी पांचवा आरोपी वसीउल्लाह अब्दुल लतीफ अंसारी निवासी हाजी अब्दुल मजीद लीडर रोड मोमिनपुरा नागपुर, छठवां आरोपी मोहम्मद वकील अहमद पिता वली अहमद निवासी मोमिनपुरा महात्मा फुले बाजार नागपुर, सातवां आरोपी मोहिद्दीन पिता इसराइल निवासी महात्मा फुले बाजार नागपुर, आठवां आरोपी मोहिद्दीन पिता सलाउद्दीन अंसारी निवासी सैफ नगर नागपुर, नौवां आरोपी निसार अहमद उर्फ कलंदर पिता हाजी बहुद्दीन अंसारी अंसार नगर नागपुर, दसवां आरोपी है रफीक अहमद वली मोहम्मद खान निवासी बादलपार चौकी, बारवां आरोपी अब्दुल करीम पिता अब्दुल हन्नान निवासी खैरी थाना कानीवाड़ा जिला सिवनी, तेरहवां आरोपी संतोष करवेती पिता ब्रजलाल करवेती निवासी ग्राम घरघटिया थाना धूमा जिला सिवनी, चौदहवां आरोपी रामदास उइके पिता महेंद्र उइके ये निवासी है करिया, रामदास उइके पिता महेंद्र उइके उर्फ करिया ये पुतर्रा थाना धूमा का निवासी है, पंद्रवा आरोपी अनिल पड़वार पिता किशन पड़वार पुतर्रा ग्राम का धूमा का है। इसके अलावा पलारी चौकी जो केवलारी थाने के अंतर्गत आती है इसमें दर्ज अपराध में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वे तीन आरोपी हैं और 15 आरोपी हमने पहले बताए। सोलहवा आरोपी है सनाउर रहमान पिता अब्दुल निवासी ग्वारी थाना केवलारी, सत्रहवा आरोपी है इरफान पिता फैज़ मोहम्मद निवासी खैरी थाना केवलारी, अठारहवा आरोपी है एहसान पिता इरफान मोहम्मद निवासी खैरी थाना केवलारी। धनौरा थाने में इसके बाद जो अपराध पंजीबद्ध हैं, धनौरा थाने में दो अलग अलग अपराध पंजीबद्ध हैं, जिन अपराधों में एक अपराध में चार और एक अपराध में दो आरोपी इसमें पकड़ाए हैं। एक अपराध में दो आरोपी जो पकड़ाए हैं उनका नाम है वाहिद पिता मजीद खान निवासी ग्वारी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी और दूसरा आरोपी शादाब खान पिता इसराइल खान निवासी ग्वारी पलारी थाना केवलारी जिला सिवनी, ये दो आरोपी ये हो गए। और दूसरे अपराध में हमने आपको पहले 18 आरोपियों के बारे में बताया, उसके बाद 19वां आरोपी पुलिस की विज्ञप्ति के अनुसार पुलिस जो कह रही है वो हम आपको बता रहे हैं। प्रहलाद पिता मानक लाल पंद्रे निवासी कड़वे थावरी थाना धनौरा, 20वां आरोपी वीर सिंह पिता चेतलाल काकोड़िया निवासी कड़वे थावरी थाना धनौरा, मुंशी लाल पिता धर्म सिंह पद्रे निवासी कड़वे थावरी थाना धनौरा, सोनू उर्फ झतुआ पिता चोप सिंह धुरवे निवासी सालीवाड़ा मुनीर थाना धनौरा। इस तरह ये 22 आरोपी ये हो गए और दो आरोपी शादाब और वाहिद ये चूँकि धूमा थाने में भी ये दोनों के नाम थे, शादाब खान पिता इसराइल खान धूमा थाने में तीसरे नंबर का आरोपी था और वाहिद पिता मजीद खान ये दोनों जो ये पहले नंबर का आरोपी था। इस तरह कुल 22 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है। इस पूरे मामले में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीडी शर्मा के मार्गदर्शन में सराहनीय कार्य जिनके द्वारा किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस लखनादौन अपूर्व भलावी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस केवलारी आशीष भराड़े, थाना प्रभारी दूमा उप निरीक्षक सतीश उइके, थाना प्रभारी केवलारी निरीक्षक चैन सिंह उइके, थाना प्रभारी डूंडा सिवनी निरीक्षक किशोर वामनकर, चौकी प्रभारी पलारी उप निरीक्षक राजेश शर्मा, चौकी प्रभारी सुनवारा सहायक उप निरीक्षक लूपेश रांगडाले, उप निरीक्षक निकेतन किलेदार, थाना तहसील नागपुर सिवनी के प्रधान आरक्षक योगेश ठाकुर, शेखर बघेल, आरक्षक यशपाल उइके, शंभू ठाकुर, थाना तहसील नागपुर, आईजी कार्यालय जबलपुर की ओर से आर प्रीतम और डूंडा सिवनी से सैनिक मोहम्मद वकील, और साइबर सेल का योगदान बहुत सराहनीय रहा। इस तरह ये अभी 22 आरोपी पकड़े गए हैं। इस पूरे मामले का पटाक्षेप अभी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभी भी जो जानकारी पुलिस के द्वारा पुलिस विज्ञप्ति में दी गई है उसके अनुसार, पुलिस की जानकारी के मुताबिक गाय गौवंश का वध करना था। वध क्यों करना था इस बारे में अभी भी कोई जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आ पाई है। आखिर अगर देखा जाए यहाँ तो 28 नग एक जगह मिले हैं, 22 नग एक जगह मिले हैं, इस तरह ये देखे जाए तो 50 नग ये हो जाते हैं, उसके बाद 7 नग और 8 नग, कुल 65 नग गौवंश यहाँ पर मिले हैं। ये वे गौवंश, पुलिस सूत्रों का कहना ये है, हम ये बात नहीं कहते, पुलिस सूत्र यही बात बताते हैं कि ये तो वे शव माने जा सकते हैं जो बरामद किए गए हैं जंगलों के अंदर। और भी अगर इस तरीके के कृत्य किए गए हों तो उस बारे में कहा नहीं जा सकता, ये पुलिस सूत्रों का कहना है। इसके अलावा 26 मार्च 2024 को अगर गंसौर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति के द्वारा लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में की जाती है, जिसमें वाहन का नंबर भी दिया जाता है, इस वाहन से गौवंश का परिवहन हो रहा है, तो उसमें संलिप्त लोगों को अगर तब ही पकड़ लिया जाता, या पुलिस के द्वारा 108 प्रकरण बनाए गए हैं, जैसा बार बार पुलिस बताकर अपनी पीठ ठोकती है कि 108 प्रकरण बनाए गए, इसका मतलब स्पष्ट है, अगर इसे दूसरे नज़रिए से आप देखें तो सिवनी गौवंश परिवहन के लिए, गौवंश का सिवनी से परिवहन, गौवंश तस्करों के लिए सिवनी जिले से होकर गुजरना बहुत मुफीद साबित होता है, बहुत ही सरल उनके लिए ये यहाँ से निकलना है। और सबसे बड़ी बात कि जबलपुर, सिवनी ज़िले की सीमाएं जबलपुर ज़िले से लगती हैं, मंडला ज़िले से लगती हैं, नरसिंहपुर ज़िले से स्पर्श करती हैं, इधर छिंदवाड़ा ज़िले को स्पर्श करती हैं, और यहाँ पर बालाघाट ज़िले को, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, इस तरह 5 मध्य प्रदेश के ज़िले की सीमाओं को सिवनी ज़िले की सीमा स्पर्श करती है। और उसके अलावा सिवनी से अगर आप दक्षिण की तरफ जाते हैं तो महाराष्ट्र के महाराष्ट्र प्रदेश की सीमा से सिवनी ज़िले की सीमा लगी हुई है, और महाराष्ट्र प्रदेश की सीमा से ये सारे गौवंश सिवनी ज़िले में एकीकृत अंतर्राज्यीय जांच चौकी, जहां पुलिस के नुमाइंदे भी बैठते हैं, परिवहन विभाग के नुमाइंदे भी बैठते हैं, कृषि विभाग के नुमाइंदे भी बैठते हैं, कृषि उपज मंडी के नुमाइंदे भी बैठते हैं, हर विभाग के कमोबेश नुमाइंदे यहाँ बैठते हैं, और उनकी आँखों में धूल झोंक कर यहाँ से गौवंश का परिवहन किया जाना संभव नहीं है। वैसे भी इस तरीके की चर्चाएं हैं कि मेटेवानी एकीकृत परिवहन जांच चौकी, जो एकीकृत जांच चौकी है जहां पर सारे विभाग एक साथ बिठाल दिए गए हैं, उस जगह से होकर गुजरना, वो भी इतनी भारी तादाद में गौवंश का गुजरना, अपने आप में एक बड़ी बात मानी जा सकती है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को इस बात की जानकारी भी दी है कि इस पूरे मामले में
कहीं ना कहीं कुछ वाइट कॉलर्स की भी संलिप्तता नज़र आ रही है, और ये पूरा मामला अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि इस पूरे मामले में आखिर गौवंश का वध, जैसा पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति कह रही है कि गौवंश का वध कराया गया, गौवंश का वध कराने के पीछे मंशा क्या थी, ये बात अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाई है। 19 जून को ये प्रकाश में आई थी, 19 जून के बाद 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 9 दिन ये बीत गए हैं और 2 दिन पहले इनका वध किया गया है। इस तरह 11 दिन बीतने के बाद 17 तारीख को ये इनका वध किया गया और 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये घटना कारित हुई। उसके बाद भी तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के द्वारा सूचना संकलन उनका किस तरह का रहा होगा, जबकि 26 मार्च को एक लिखित शिकायत उन तक भेजी गई थी, जो हमने एक आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबर में हमने आपको दिखाया, उसकी पावती भी हमने आपको दिखाई थी कि 26 मार्च को वो शिकायत की गई थी। अगर उस पर त्वरित कार्रवाई कर ली जाती तो शायद इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में फिलहाल इतना ही। अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।